Career in VFX and Compositing. What is VFX? How to become a VFX artist and compositor? How much earn in VFX and compositing? And how much opportunity in VFX and compositing? Friends, इस तरह के कई सवाल मुझे VFX के related पूछे जाते हैं, तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप अंत तक देखिए अगर आप अपना करियर VFX और कंपोजिटिंग में आगे बढ़ाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव भट्ट और आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज VFX एंड कंपोजिटिंग। VFX क्या है? फ्रेंड्स, VFX का फुल फॉर्म होता है विजुअल इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, विजुअल इफेक्ट का ज्यादातर उपयोग मूवी मेकिंग में होता है। एग्जांपल के रूप में हम देखें तो अवतार जो मूवी बनी है उसमें मेजॉरिटी शॉट सारे VFX की ही मदद से क्रिएट किए हुए हैं। लाइफ ऑफ पाई देख लो, उसमें भी बहुत सारे एनिमल्स सारे यूज किए हुए, वो सारे CG है, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड। उसको रियल कैरेक्टर के साथ VFX की मदद से मर्ज किया जाता है और इसी तरह से इसको प्रेजेंट किया जाता है। आपने इस तरह की तो कई सारी मूवीज देखी होगी और उसमें जो VFX आती है वो भी आपको बहुत बढ़िया लगती होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी वैसे ही VFX मूवी बना सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको उस VFX का कोर्स करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं थोड़ी आपको VFX रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दूँ, उसके बाद हम डिटेल में कोर्स के बारे में और आगे दूसरी इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। तो फ्रेंड्स, मूवी में VFX का यूज़ कब किया जाता है? जब डायरेक्टर ने कोई सीन सोचा हुआ है और उसमें ज़्यादातर रिस्क है या फिर पॉसिबल ही नहीं है उस तरह का शॉट, तब VFX का यूज़ किया जाता है। VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स, मतलब कि जो रियलिटी में हम नहीं दिखा सकते वो हम कंप्यूटर की मदद से इफेक्ट्स डाल के वो सीन क्रिएट करते हैं और वो सीन एकदम ही रियलिस्टिक लगता है। तो यही काम है VFX का। फ्रेंड्स, VFX शॉट क्रिएट करने के लिए कई चीज़ों का उपयोग किया जाता है जब लाइव शूटिंग चल रहा होता है, जैसे कि ग्रीन स्क्रीन रखा जाता है जिसकी मदद से उसका बैकग्राउंड चेंज कर पाए, और कैमरा ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग पॉइंट्स भी रखे होते हैं जिससे उन ट्रैकर की मदद से हम इजीली कंपोजिटिंग के समय चीज़ों को ट्रैक कर पाए, उसके लिए वो ट्रैकर भी यूज होते हैं। फ्रेंड्स, ज़्यादातर VFX हॉलीवुड्स के मूवी में देखी जाती है, लेकिन इंडिया में भी VFX की बहुत सारी मूवीज आ रही है। इन मूवीज में अभी सबसे पॉपुलर जो है वो है बाहुबली। बाहुबली का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों ही सुपरहिट VFX है, और पहले पार्ट को तो नेशनल अवार्ड भी दिया गया है विजुअल इफेक्ट के लिए। और बाहुबली के अलावा भी रोबोट, ग्रीस, रावण और कई सारी मूवीज में VFX का बहुत अच्छे से यूज किया गया है, और वो सारी VFX को क्रिएट इंडिया में ही VFX स्टूडियो में ये सारे सीन्स क्रिएट हुए है। तो फ्रेंड्स, विजुअल इफेक्ट के मामले में अब इंडिया भी पीछे नहीं है, लेकिन अभी VFX में करियर बनाने वाले बहुत कम लोग हैं और काम बहुत ज्यादा है, तो VFX में अपॉर्चुनिटी भी बहुत सारी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो VFX के बारे में तो आप जरूरी VFX का कोर्स कीजिए और उसमें आगे बढ़िए, अपना करियर बनाइए। फ्रेंड्स, एक और सवाल है कि VFX और स्पेशल इफेक्ट में डिफरेंस क्या है? VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स, और विजुअल इफेक्ट का यूज कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट्स देने के लिए होता है। स्पेशल इफेक्ट का यूज जब वीडियो शूट चल रहा होता है तभी जो कुछ इफेक्ट दिए जाती है लाइव वीडियो शूट में, वो सारी स्पेशल इफेक्ट, जैसे कि मैं आपको बताऊं, स्मोक करना है, ब्लास्ट करना है, तो उस तरह की अगर रियल में ब्लास्ट करके उसको शूट किया जाए तो उसके लिए जो भी तैयारी होती है उसको स्पेशल इफेक्ट कहा जाता है। अगर वही ब्लास्ट हम वीडियो शूट होने के बाद कंप्यूटर की मदद से करते हैं तो उसे विजुअल इफेक्ट कहा जाता है। तो मेन डिफरेंस यही है, सेट पे जो भी कुछ इफेक्ट क्रिएट की जाती है वो सारी स्पेशल इफेक्ट में आती है, और वीडियो शूट होने के बाद पोस्ट प्रोसेसिंग में जो इफेक्ट्स, जो विजुअल इफेक्ट दी जाती है वो सारी VFX में आता है। तो फ्रेंड्स, दोनों में मेन डिफरेंस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिकम अ VFX आर्टिस्ट एंड कंपोजिटर। सबसे पहले आपको VFX के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सीखने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको VFX और एनिमेशन का कोर्स करना पड़ेगा। सिर्फ आप VFX का कोर्स करें उससे बढ़िया है आप एनिमेशन और VFX दोनों साथ में सीखो, क्योंकि
क्योंकि अगर आपको एनिमेशन का भी नॉलेज होगा तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको विजुअल इफेक्ट के शॉट क्रिएट करने में। तो पहले आप पूरा एनिमेशन और VFX का कोर्स कीजिए, और अगर आपको रिक्वायरमेंट लगे तो VFX प्रो का भी एक कोर्स कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, VFX के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर, जो सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है वो है प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, फोटोशॉप, न्यूक, फ्यूजन, तो ये सारे कंपोजिटिंग के सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर सीखने के बाद आप अच्छे से VFX में अपना करियर बना सकते हो। फ्रेंड्स, VFX का कोर्स करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, तो उन इंस्टीट्यूट का लिस्टिंग भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जिसकी मदद से आप आसानी से इंस्टीट्यूट में जाके अच्छे से अपना कोर्स ज्वाइन कर पाए। फ्रेंड्स, VFX का कोर्स करने के लिए फी कितनी लगेगी, यही आपके मन में सवाल आ रहा होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो अगर आप फुल कोर्स करते हो तो 1 लाख से लेके 3 लाख की भी फी आपको पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, अगर एक बार आप ये कोर्स कर लोगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कई सारी है। और फ्रेंड्स, जब आप कोर्स सीखोगे तो कोर्स में आपको कंपोजिशन सिखाया जाएगा। कंपोजिशन में क्या क्या आता है? कंपोजिशन में रोटोस्कोपी, मैच मूविंग, मोशन ग्राफिक, टेक्स इफेक्ट और भी कई सारी चीजें है जो इस कोर्स में सिखाई जाती है। कोर्स खत्म करने के बाद आप जो अभी VFX फील्ड में और कंपोजिटिंग फील्ड में रिक्वायरमेंट रहती है वो है रोटोस्कोपी आर्टिस्ट और मैच मूवर की। तो शायद आपको जब आप फ्रेशर होगे तो इन्हीं में से कोई दो चीजों में से आपको स्टार्टअप करना होगा। पहले आप इसमें ज्वाइन कर लीजिए रोटोस्कोपी या फिर मैच मूविंग, जिसमें आपको मिलता है। धीरे धीरे आप अपना वर्क एक्सपीरियंस बढ़ाते जाओगे, वैसे ही आपको अच्छे अच्छे VFX शॉट करने को मिलेंगे, और उसमें आप और अच्छे से काम करोगे तो आप और भी आगे बढ़ पाओगे। फ्रेंड्स, कोर्स करते समय आप कुछ विजुअल इफेक्ट शॉट पे काम करो, जिससे आपको प्रैक्टिकली पता चले कि एक VFX शॉट कैसे क्रिएट होता है, उसका कंपोजिशन कैसे होता है और फाइनल टचअप कैसे देते हैं। तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी? एक आपको कैमरा चाहिए होगा, एक ग्रीन स्क्रीन चाहिए होगी, थोड़ी बहुत लाइट्स चाहिए होगी। इन सारी चीजों की मदद से आप ग्रीन स्क्रीन में आप अपने फ्रेंड के साथ एक वीडियो शूट कीजिए, और कंपोजिशन के सॉफ्टवेयर की मदद से उस ग्रीन स्क्रीन को निकाल के डिजिटल बैकग्राउंड रखिए, और इस तरह के छोटे छोटे VFX शॉट क्रिएट करके प्रैक्टिस करते रहिए, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आप VFX में कितना आगे बढ़ पाओगे। बहुत क्रिएटिव फील्ड है, इसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपनी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी। जैसे आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद आप अच्छे एक कंपोजिटर तो बन चुके होंगे, लेकिन अगर आपको एक अच्छा VFX आर्टिस्ट बनना है तो आपको VFX रिलेटेड शॉर्ट फिल्म्स बनानी पड़ेगी। उस शॉर्ट फिल्म की मदद से ही आप आगे बढ़ पाओगे अपने करियर में। मैं शॉर्ट फिल्म आपको बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप पूरी एक शॉर्ट फिल्म बनाओगे तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी पूरी की पूरी लगेगी, और तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना क्रिएटिव काम कर सकते हो। और वो क्रिएटिव काम किया हुआ अगर आप अपने जॉब इंटरव्यू में दिखाओगे तो सामने वाले को भी पता चलेगा कि ये बंदा कितना अच्छा काम कर सकता है। फ्रेंड्स, VFX करियर में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो है VFX सुपरवाइजर का। VFX सुपरवाइजर का रोल क्या है? तो VFX सुपरवाइजर डायरेक्टर और क्लाइंट के साथ मिलके पूरा सीन डिस्कस करता है, और उस सीन के हिसाब से जो डायरेक्टर का विजन है उसको विजुअल इफेक्ट की मदद से कैसे अच्छे से अच्छा बनाए, वो VFX सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। VFX सुपरवाइजर प्रोडक्शन जब हो रहा होता है, जब वीडियो शूटिंग भी चल रहा होता है, तभी वो वहाँ पर हाजिर होता है, और वीडियो शूट होने के बाद शॉट का जब पोस्ट प्रोडक्शन हो रहा होता है तब भी उसको अपनी टीम के साथ मिल के उस शॉट को अच्छे से अच्छा कैसे बनाए, और VFX सुपरवाइजर अपनी पूरी क्रिएटिविटी उसमें लगा देता है और पूरी अपनी टीम के साथ मिलके वो पूरा शॉट एक खत्म करता है। इंडिया में जो जो अभी VFX सुपरवाइजर है उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन जरूर देखिए। उसमें रेड चिली के जो सुपरवाइजर है, बाहुबली मूवी में जो VFX दिया हुआ है उनके सुपरवाइजर है, सारे लोगों की डिटेल में डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, जिससे आपको और अच्छे से पता चले कि एक VFX सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और फ्रेंड्स, VFX सुपरवाइजर की इनकम और सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन VFX सुपरवाइजर जब अच्छा होता है तभी एक अच्छा VFX शॉट बन पाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अर्न इन VFX एंड कंपोजिटिंग? हम VFX में और कंपोजिटिंग में कितना कमा सकते हैं?
फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हो तो सबसे पहले आपको कंपोजिटिंग में ही जॉब मिलेगी। तो कंपोजिटर की स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से लेकर 15,000 तक भी हो सकती है, और जैसे ही अपना एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा सैलरी भी बढ़ती जाएगी। फ्रेंड्स, 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 30,000 से 40,000 की इनकम तो मिलती ही है, और अगर आप फ्रीलांस वर्क भी करते हो तो उनसे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुई है जिसकी मदद से आपको पता चले कि कंपोजिटिंग और वीएफएक्स में कितनी सैलरी मिलती है, तो आप लिंक भी जरूर चेक कीजिए। हाउ मच अपॉर्चुनिटी इन वीएफएक्स एंड कंपोजिटिंग। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। फ्रेंड्स, वीएफएक्स का यूज मूवी में होता है, टीवी सीरियल्स में होता है, न्यूज में होता है, एडवर्टाइजमेंट में होता है, कई जगहों पर होता है। तो फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है। घर बैठे आप फ्रीलांस भी कर सकते हो, और फ्रीलांसिंग प्रोवाइडिंग वेबसाइटों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसकी मदद से आप वीएफएक्स रिलेटेड फ्रीलांस वर्क भी कर पाए। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी वीएफएक्स और कंपोजिटिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको दूसरे कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछिए, और अगर आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए जिसकी मदद से वो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जान पाए। फ्रेंड्स, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहे। फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिसकी मदद से मैं अब जब भी कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीएफएक्स और कंपोजिटिंग के रिलेटेड जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अपना करियर ग्रो करने में हेल्प करेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।